कभी कभी लोग जिसे खोटा सिक्का समझते हैं वही आपके काम आ जाता है। लगातार बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद को भी लगता था कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव सबसे फिट हैं, लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ पीछे आए हैं वहीं वहीं तेज प्रताप यादव ने अपना रंग रूप दिखाया है। हालांकि तेज प्रताप पर इस बात का भी आरोप लगता है कि उन्होंने पार्टी को कमज़ोर किया है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से किया उससे पार्टी को घाटा हुआ, और इन सब बातों को लेकर के तेज प्रताप हमेशा निशाने पर रहे हैं। लेकिन जो काम तेजस्वी से नहीं हो सका, लालू प्रसाद नहीं किए, वो काम तेज प्रताप ने कर दिया। आपको लगातार ऐसा लग रहा होगा कि पिछले एक डेढ़ महीने से जम करके बिहार में सिवान सबसे ज़्यादा हॉटकेक बना हुआ था बिहार की राजनीति का। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद सारे राजनीतिक दलों का ध्यान शहाबुद्दीन के परिवार पर था, क्योंकि लोगों को पता था कि शहाबुद्दीन के साथ अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इस बात को लेकर के आरजेडी में भी इस संशय की स्थिति थी कि आखिर वो क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, जो कि कहा जाता था कि आरजेडी के सबसे पिछले बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ी हैं, उसने ऐसा किया कि परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास हुए। आपको बता दें कि दूसरी बार शहाबुद्दीन के घर प्रतापपुर गए तेज प्रताप। तेज प्रताप लगातार जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है उसके बाद से नीतीश कुमार के जड़े खोदने में लगे हुए हैं। अस्पताल की स्थिति हो या फिर सड़क की स्थिति, लगातार वो लोगों को दिखा रहे हैं और हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि वो पिछले दो दिनों से लगातार भ्रमण पर हैं। इसी बीच में उन्होंने गोपालगंज तक जाने का कार्यक्रम बनाया था। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से प्रतापपुर जाने का फैसला किया, और प्रतापपुर पहुंचे तेज प्रताप, उनके साथ अवध बिहारी चौधरी थे, मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय थे, परसा के विधायक छोटे लाल राय थे, और जहानाबाद के विधायक सुदय यादव भी मौजूद थे। सिवान से पटना लौटने के क्रम में वो बीच में मीडिया से बातचीत किए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ ठीक है। शहाबुद्दीन शुरू से ही आरजेडी व पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव के प्रति वफादार रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो पार्टी से बाहर हैं। उनके परिवार के लोग भी इस बात को जानते हैं कि अगर मान सम्मान कहीं है तो वो अपनी ही पार्टी में है। प्रतापपुर में तेज प्रताप ने बंद कमरे में ओसामा के साथ करीब एक घंटे तक बातचीत की। इस बीच में कहा जा रहा है, जैसा कि हमने आपको खबरों के माध्यम से पहले भी बताया था, कि ओसामा से सीधे लालू प्रसाद की बातचीत कराई है तेज प्रताप ने। ये खबर आपको सबसे पहले भारत लाइव बता रहा है कि सीधे लालू प्रसाद से बात कराई है और सारी बातें लगभग फाइनल हो चुकी है। पूरा गेम सेट कर दिया है तेज प्रताप यादव ने। आपको बता दें कि इससे पहले जब वो जीतन राम मांझी से मिले थे तो सबने कहा था, मीडिया तक में ये बात चली थी कि ये सामान्य मुलाकात है और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन हमने भारत लाइव में लगातार आपको बताया था कि इसके पीछे बड़ी रणनीति थी, और रणनीति थी लालू प्रसाद से जीतन राम मांझी को बात कराना। बात हो गई है और बहुत सारी बातें अब ओपन नहीं है, लेकिन जो भी फाइनल करना था वो चीज़ें फाइनल हो गई है। जो डिमांड था वो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की भी पूरी हो गई है, और जो भी संशय था वो दूर ओसामा और हिना साहब का भी कर दिया है लालू प्रसाद और तेज प्रताप ने। आप इस बीच में देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से चुप हैं और पूरा कमान जो है बिहार में अभी संभाले हुए हैं तेज प्रताप यादव। उनके साथ जो तेजस्वी यादव के करीबी लोग हैं वो हमेशा साथ में रह रहे हैं। सुदय यादव की बात करें तो वो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, और तेज प्रताप यादव के साथ उनका होना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल सेट हो गया। इस बीच में आपको हमने बताया था कि किस तरह से ददन पहलवान मिलने गए थे, उससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि नागमणि कुशवाहा गए थे। जाना आना तो जारी है, लेकिन फैसला क्या होगा ओसामा का और हिना साहब का, ये बातें अब दावे के साथ आरजेडी कह सकती है, क्योंकि तेज प्रताप ने जा करके लालू प्रसाद से बात करा दिया है और ओसामा को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा है कि हमारा परिवार है, हमारे बीच आपस में बातचीत होती रहती है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, उसका काम है कि इसी तरह की बातों को गलत बयानी करके उलझाना।
अब इन सब बातों का आने वाले समय में बड़ा ही महत्व है। बिहार की राजनीति में हो रहे उथल पुथल के बीच में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के MLC टुन्ना पांडे जाकर के मिलते हैं लालू प्रसाद से और बिहार में ये कह करके जाते हैं कि जब तक ओसामा और हिना साहब को सदन में नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी चुनावी रणनीति और राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लालू से जाकर के मिलते हैं और लौट करके आते हैं तो बड़ी खुश रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी सॉफ्ट कॉर्नर टुन्ना पांडे पर हो जाता है। ये खेल बड़ा ही अजीब है और इस खेल में जितना उलझा हुआ आप समझ रहे हैं उतना ही ज़्यादा भीतर ही भीतर सुलझता जा रहा है। बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।